हाय गाइज, इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशन के सैंपल पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट, जी हाँ, ग्रामर सेक्शन सेक्शन सी को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है नरेशन का, आइए देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, माई सन, मेरे बेटे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। इनडायरेक्ट कैसे करेंगे? एड्रेसिंग द स्टूडेंट एज हिज सन, छात्र को अपने बेटे के तौर पर संबोधित करते हुए द टीचर ऑर्डर्ड हिम, टीचर ने उसे आदेश दिया नॉट टू वेस्ट। नंबर टू, ही इज पुअर, वह गरीब है। ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट, वह एक फ्लैट या घर नहीं खरीद सकता। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर बनाना है क्या? सिंपल सेंटेंस, ही इज टू पुअर टू बाई ए फ्लैट। एडवर्ब टू को जोड़कर दोनों सेंटेंसेस को हम जोड़ लेंगे। नंबर थर्ड देखेंगे, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। दोनों को जोड़कर बनाना है क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कुछ ऐसा होगा, व्हेन द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर आया, कॉमा, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका। लेट मी डू दिस टास्क, मुझे ये टास्क या कार्य करने दें। इसका पैसिव फॉर्म होगा लेट दिस टास्क बी डन बाई मी। ओके, नंबर फाइव है करेक्शन या सिंटेक्स। दो सेंटेंसेस हैं, करेक्ट करना होता है किसी एक को, हम यहाँ दोनों को कर रहे हैं। नंबर वन, दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, इसका हो जाएगा दिस इज बेटर ऑफ टू। दो तक कॉम्परेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं, दो से अधिक में ही सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर पाएंगे। दूसरा है ऑल द फर्नीचर्स वाज डिस्ट्रॉयड, ध्यान रखेंगे फर्नीचर, सीनरीज, ये सारे प्लुरल में होते हैं, तो हो जाएगा ऑल द फर्नीचर्स वेयर डिस्ट्रॉयड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव synonyms ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए शब्दों के पर्यायवाची लिखो। नंबर वन है अटैक, जिसका होगा स्ट्राइक, मीन्स मारना। दूसरा determination, जिसका होगा resolution, मीन्स दृढ़ निश्चय। नंबर सेवन, गिव द antonyms ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए शब्दों के विलोम लिखो। नंबर वन डिफेंस, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना, इसको ऑपोजिट होगा या तो हर्ट, चोट पहुंचाना, या हार्म, हानि पहुंचाना। दूसरा है प्रॉस्पेरिटी, जिसका मतलब है समृद्धि, इसको ऑपोजिट होगा हार्डशिप, यानी कि परिश्रम की जीवन, है ना, इंटरेस्टिंग। नंबर एट होमोफोन्स, नंबर एक है टेल और दूसरा है टेल, ये दोनों शब्द एक जैसे प्रोनाउंस हो रहे हैं लेकिन इनके मीनिंग्स अलग हैं, सेंटेंसेस से क्लियर करेंगे। नंबर वन, माई काउ हैज वाइट टेल, मेरी गाय की पूंछ सफ़ेद, टेल का मतलब है पूंछ। दूसरा है माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ वंडरफुल टेल, मेरी दादी माँ ने मुझे एक आश्चर्यजनक कहानी यानी कि टेल सुनाई। अब है वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो ठीक ना किया जा सके, ये होता है इनकॉरिजिबल, है ना, इंटरेस्टिंग। टेन है ईडियम्स है फ्रेजिस का, इसमें टू मार्क्स का क्वेश्चन है, एक मार्क होगा इसके मीनिंग का और दूसरा होगा सेंटेंसेस में यूज का। पहला है एन एक्स टू ग्राइंड, सेल्फिश मोटिव टू सर्व, स्वार्थ सिद्ध करना, मतलब निकालना। सेंटेंस देखेंगे, पीपल बिकम आवर फ्रेंड्स, लोग हमारे मित्र बनते हैं बिकॉज, क्योंकि दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड, क्योंकि वे एक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, सब नहीं लेकिन बहुत से। नंबर टू है लुक इन टू, जिसका अर्थ है इन्वेस्टिगेट करना, गहरी जांच पड़ताल करना या किसी की जासूसी करना। पीपल लुक इन टू अदर बिजनेस, लोग दूसरों के काम में बहुत ध्यान देते हैं, नज़र रखते हैं विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी वजह के। और लास्ट है आ रेड लेटर डे, जिसका अर्थ है इम्पॉर्टेंट डे। सेंटेंस देखिए, 26 जनवरी इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 26 जनवरी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। तो गाइज, ये था बोर्ड एग्जामिनेशन के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है ग्रामर का सेक्शन, 20 मार्क्स, 8 मार्क्स ग्रामर एंड 12 मार्क्स वोकैबुलरी का। 5 मार्क्स का इसमें और होता है, वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें संजीव गोस्वामी, आपका फेवरेट चैनल। बाय।